देहरादून में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मचारियों ने सैकड़ों की तादाद में सचिवालय कूच किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सफाई कर्मचारी 5 मई से नगर निगम कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। सचिव शहरी विकास ने 22 नवंबर 2016 को जारी शासन आदेश के मुताबिक वरिष्ठता के आधार पर 408 संविदा पदों पर समायोजित नहीं किया और 18 महीने बीतने के बाद भी इस पर कोई विचार नहीं हुआ। संगठन के सचिव धीरज भारती ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा। पर आज हमने सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन दिया है और 1000 आदमी हमारे महिला भी थे, पुरुष भी थे, जो आज हमारे ज्ञापन देने आई है। अब आगे की रणनीति हम अभी कार्यालय में जाके तय करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आगे बनता है। तो क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख एक ही मांग है सर, हमारे 408 पद शासन ने स्वीकृत करके दिए थे परंतु उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आगे क्या कोई आंदोलन करेंगे? आंदोलन तो सर हमारा चल ही रहा है, आंदोलन हमारा लगातार चल ही रहा है। सफाई का क्या? सफाई का हमने कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, सफाई बदहाल हो रखी है बिल्कुल। अभी तो घर घर से कूड़ा उठ रहा है लेकिन वो भी हम बंद करवा देंगे कल से। हम लोग भी अपील करेंगे इसे कि शहर में ये लोग अपनी इस हड़ताल को वापस लें और शहर में शहर की सुंदरता बनाए रखने में इनका अभी भी योगदान भी रहा है, हमेशा रहेगा। और इसी उस हित को देखते हुए हम इनसे अपील करेंगे कि जो अपनी मांगे हैं उसके लिए जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके दृष्टिगत ही अपनी हड़ताल को वापस लें और शहर के जो योगदान सभी लोगों का अपना भाग है उसमें अपने भागीदारी करें। चलो चलो।